प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री पोर्शन के अंतर्गत पार्ट 12 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पैरेलल लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In figure, if angle 2 equal to 120 degree and angle 5 equal to 60 degree, so that M parallel to N, हमें शो करना है कि M जो है N के पैरेलल है। देखिए, पैरेलल होने की तीन कंडीशन होती हैं। If transversal line cut to given line, then alternate angles are equal, given lines are parallel. If corresponding angles are equal, then given lines are parallel. If the sum of co-interior angle is 180 degree, then given lines are parallel. ठीक है बच्चों? Yes sir. यदि दो दी गई रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, कौन काटती है? तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। यदि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 अंश होता है तो दी गई रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यहां पर गिवन है सॉल्यूशन एस ओ एल यू टी आई ओ एल। पहली कंडीशन इसमें गिवन है बच्चों, एंगल टू इक्वल टू कितना गिवन है? एंगल टू इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल फाइव इक्वल टू है 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहां पे कंडीशंस क्या है? एंगल टू जो है एंगल फोर के इक्वल होगा। एंगल टू और एंगल फोर ये कौन से एंगल हैं? एंगल टू और एंगल फोर कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। बट यहां लिखेंगे बच्चों, बट एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां लिख देंगे वर्टिकली, VERTI, वर्टिकली अपोजिट एंगल, OBOSIT, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्लियर? अब इसमें एंगल टू हमारा कितना गिवन है? 120 डिग्री, कितना है? 120। एंगल फोर बच्चों कितना हो गया? 120। और एंगल फाइव हमारा कितना है? 60 डिग्री। इसको आइए चेक करते हैं। अब हम एंगल फोर प्लस एंगल फाइव को चेक करेंगे, ठीक है। एंगल फोर हमारा कितना है? 120। एंगल फाइव कितना गिवन है? 60 डिग्री। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या तुम सबको? कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। बोलते क्यों नहीं हो, ठीक है। एंगल फोर और एंगल फाइव का सम कितना आ गया बच्चों? 180 डिग्री। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एंगल फोर एंड एंगल फाइव आर सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल हो गए? इसकी मीनिंग ये हुई कि एंगल फोर एंड एंगल फाइव आर सप्लीमेंट्री एंगल। यस, यू डबल पी एल ई, सप्लीमेंट्री, एम ई एन टी ए आर वाई, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है।
इज द सम ऑफ कोइंटीरियर एंगलेस सप्लीमेंट्री देन गिवन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और ये क्या है, एक स्टेप और लिख देते हैं, कॉन्जुगेटिव सी ओ एन एस ई सी यू टी कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आई एन टी ई आर आई ओ आर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, आर सप्लीमेंट्री एस यू डबल टी एल ई सप्लीमेंट्री एम ई एल टी, यहां पर लिख देते हैं एम ई एन टी ए आर वाई सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। यस सर, समझ में आया। यस सर, आर सप्लीमेंट्री एंगल थोड़ी लिखा जाएगा, आर क्या हो गए सप्लीमेंट्री, ठीक है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि लाइन एम जो है एम के क्या हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। हैंड फूट यही लाइन यही सिद्ध करना था, क्लियर बच्चों। यस सर, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। yes, ये इसका सलूशन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस ओ एल UTIUM सॉल्यूशन लिखेंगे, लेफ्ट लाइन एल एम एन बी सच दैट एल परपेंडिकुलर एल एंड एम परपेंडिकुलर एल, ठीक है बच्चों। एस सोन इन फिगर क्लियर। वी हैव टू प्रूव दैट एल पैरेलल टू एम नाउ एल परपेंडिकुलर एन एंड M perpendicular N implies that angle 1 is the 90 degree and angle 2 is the 90 degree, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इससे क्या निष्कर्ष निकला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से एंगल है, क्रॉस बाउंडिंग एंगल सी आर ओ डबल एस पी ओ पी ओ एन डी
आईएनजी क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। इफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन गिवन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? यस सर। यहां पे लिख देंगे थोड़ा स्टेटमेंट, दस द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर CO डबल डबल R, CO डबल R होना चाहिए, CO डबल R ES क्रॉसपोंडिंग एंगल्स A and G angle made by N made by transversal TR A and S transversal VER SAR transversal N with lines L and M are equal, समझ में आ गया बच्चों? Yes sir। Hence लिख देंगे hence L parallel to M, ठीक है? Yes sir। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें केवल ध्यान देना था इफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन गिवन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है? यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी ई पैरेलल टू ई एफ आल्सो ई ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी इफ बी ई एफ 55 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसको अगर ध्यान से देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, यहां पे कंडीशन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, समझ में आ रहा है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज द बी डी ई इज द ट्रांसवर्सल लाइन, समझ में आ रहा है? डीआर फोर एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है, एक्स जो है वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पहली कंडीशन। क्लियर? यस सर। दूसरी कंडीशन इसमें ये होगी कि यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल यानी वाई प्लस 55, ये दोनों एंगल क्या है, वो इंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड डी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब इसमें तीसरी कंडीशन आएगी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ए ई इज द ट्रांसवर्सल लाइन,
देयरफॉर एंगल बी ए बी ए ई प्लस एंगल एफ ई ए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए इसका सलूशन। अब यहां पे लिखेंगे पहली कंडीशन, वी नो दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट इफ गिवन लाइन, इफ गिवन लाइन, इफ गिवन लाइन ए बी, ए बी पैरेलल टू सी डी, देन क्रॉसपॉन्डिंग सी ओ डबल आर ई एस, क्रॉस पॉन्डिंग पी ओ एन डी, क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ए एन जी एन ई एस, एंगल्स आर इक्वल। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डियर फोर एक्स इक्वल टू वाई, ये कौन सा एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसको बना दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यहां पे सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड डी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, डियर फोर द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, द इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल आई एन टी ई आर आई ओ आर, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, ये दूसरा पॉइंट, आर सप्लीमेंट्री बच्चों, डियर फोर वाई एंगल वाई प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री दिया जाएगा, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया, बिठा दे,
सेल्स लिखेंगे सेल्स ए बी पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है बच्चों, ई एफ फोर क्या आ जाएगा ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ। क्लियर सेम लिखेंगे सेंस इंटीरियर एंगल आई एन टी टी आर आई ओ आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑफ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल ई ए, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है ई ए। ठीक है आर सप्लीमेंट्री एस यू डबल पी एन ई सप्लीमेंट्री एम पी एन टी एम पी एन टी ठीक है। तो अब इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जेड प्लस 55 प्लस यानी 90 और ये एंगल पूरा कितना है सप्लीमेंट्री प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है अब इसको ऐड कीजिए, 55 प्लस 90 को ऐड करेंगे कितना आएगा 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर अब इसमें 145 डिग्री का ट्रांसपोज कर देंगे तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। ठीक है इम्प्लाइज दैट Z equal to 35 degree. Clear बच्चों? Yes sir. Note कर लीजिए Y equal to कितना आया था 125 डिग्री। ठीक तो y 125 आया है तो x भी कितना हो जाएगा 125। ठीक है यहाँ पर लिख दे रहे हैं सारे भी। देखो y इक्वल टू कितना था 125 डिग्री। ठीक है x इक्वल टू y था, x की वैल्यू भी कितना होगा 125 डिग्री, z की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया बच्चों 35 डिग्री। ठीक है ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। बता दे yes, sir. समझ में आया yes, sir. कोई प्रॉब्लम no, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दो समांतर रेखाएं
एक तिर्यक रेखा द्वारा, ठीक है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा बनी है। देन प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि अल्टरनेट एकांतर कोण का बाइसेक्टर, हमें सिद्ध करना है एकांतर कोण का बाइसेक्टर। एकांतर कोण कौन सा हुआ? ए ई एफ और ई एफ डी का बाइसेक्टर, यानी ई जी और एफ जी, ये क्या है? समांतर हैं, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो पहले इसमें बच्चों जो दिया गया है उसको लिखा जाएगा, गिवेन, हेडिंग लगाएंगे गिवेन, जी आई वी ई एन, गिवेन। इसमें लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, आर कट बाई ये ट्रांसवर्सल टी टी एट ई एन या, ठीक है बच्चों, यस सर, रिस्पेक्टिवली आर ई एस पी ई सी टी आई वी ई एल वाई, रिस्पेक्टिवली ई जी एंड एफ एच आर द बाइसेक्टर वी आई एस ई सी टी ओ आर, बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट ए एल टी ई आर एन ए टी, अल्टरनेट इंटीरियर आई एन टी ई आर आई यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल ए ई एफ एंड एंगल ई एफ डी रिस्पेक्टिवली आर ई एस पी ई सी टी आई बी ई एल वाई, ये बच्चों क्या है? गिवेन है, ठीक है, हमें करना है टू प्रूव, टू प्रूव लिखेंगे ई जी पैरेलल टू एफ एच, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े, ये गिवेन था, गिवेन ए बी पैरेलल टू सी डी आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल टी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली ई जी एंड एफ एच आर द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए ई एफ एंड एंगल ई एफ डी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, टू प्रूव ई जी पैरेलल टू एफ एच, क्लियर? यस सर, बता दें, यस सर, प्रिय बच्चों पहले इसको समझ लीजिए, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी डियर फोर एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ई एफ डी,
समझ में आ रहा है? ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर इस एंगल को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें कौन सा एंगल फाइंड हो जाएगा? हाफ ए ई एफ, ए ई सॉरी ए ई जी। दूसरा एंगल कौन सा फाइंड होगा? डी एफ एच, ठीक है। चलिए लिखते हैं, सेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी इज ए ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल वी है एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ई एफ डी। ये कौन से एंगल हुए बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए एल टी अल्टरनेट इंटीरियर, आई एन टी इंटीरियर एंगल, है ना। इस तरह हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं, वन बाई टू एंगल ए ई एफ इक्वल टू वन बाई टू एंगल ई एफ डी, क्लियर। तो कौन सा एंगल फाइंड होगा? एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल एफ सॉरी ई एफ जी, ई एफ एच, ई ई एफ एच, ठीक है। लेकिन ये भी कौन से एंगल हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे लिख देंगे रीजन इसका पूरा, बट यहां लिख रहे हैं बट दीज, बट दीज आर अल्टरनेट, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स फॉर्मेड फॉर्मेड एफ ओ आर एम ई डी फॉर्मेड फॉर्म व्हेन द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल EF cut EG and FH, EG and FH, ठीक है। कितना नोट कीजिए, बता दे। चलो नोट को फिर यहां पर लिख देंगे केवल, अब डियर फोर ई जी पैरेलल टू एफ डी, ठीक है। हेंस प्रूव नोट कर लीजिए, याद है? यस सर।
प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इफ द बाई सेक्टर हाफ ए पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाई ए ट्रांसवर्सल विद गिवन लाइंस आर पैरेलल, प्रूव दैट गिवन आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसमें गिवन लिखेंगे सलूशन एस ओ एल यू टी आई ओ एल, जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे गिवन जी आई वी ई एल। गिवन में है ए ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल पी क्यू कट, ये ट्रांसवर्सल पी क्यू कट्स टू लाइंस ए बी एंड एट ई एंड यफ, ई एंड यफ रिस्पेक्टिवली आर ई एस टी टी सी टी आई वी ई एल वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये गिवन है और गिवन है ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट गिवन में और लिखेंगे ई जी एंड एफ एच, ई जी एंड एफ एच आर द बाइसेक्टर बी आई एस ई सी टी ओ आर एस, बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग सी आर ओ डबल एस पी ओ, क्रॉसपॉन्डिंग सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स पीई बी एंड एंगल ई एफ डी रिस्पेक्टिवली आर ई एस पीई सी सी आई वी ई एल वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सच दैट EG parallel to FH. To prove AB parallel to C, इतना नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें क्या गिवन है, ये ट्रांसवर्सल टी पी क्यू लाइन, ठीक है, कट्स टू लाइंस ए बी एंड सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ई जी एंड एफ एच आर द बाइसेक्टर ऑफ पेयर पी ई बी एंड ई एफ डी आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ई जी बाइसेक्ट कर रहा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल
पीईबी को और ये बाइसेक्ट कर रहा है ईएफडी को, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि एबी जो है सीडी के पैरेलल है। नोट कर लिया? बिठा दे। यस सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इसका प्रूफ लिखेंगे। पी आर डबल ओ एफ प्रूफ ईजी पार्टनर टू एफ एच, ठीक है बच्चों, आर कट, आर कट कट बाई कट बाई कट बाई द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल ई एफ, ठीक है, ई एंड एफ, देयरफॉर एंगल पीईजी PEG इक्वल टू एंगल EFH है ना, ये EFH है ना, PEG ये कौन से एंगल है? क्रॉस बाउंडिंग एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों? क्रॉस बाउंडिंग एंगल COR ES क्रॉस बाउंडिंग एंगल, थर्ड फॉर्म में corresponding angle लिख दिया। implies that इसका half EGB and HFD भी क्या होंगे? equal होंगे, ये भी corresponding angle होंगे, GEB equal to HFD, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एंगल जीईबी प्लस ट्वाइस एंगल एचएफडी, क्लियर? तो जब हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या लिखना, कौन सा एंगल आ जाएगा? यानी PEB कौन सा एंगल पॉइंट होगा? PEB यहां लिख देंगे, PEB PEB इक्वल टू ये हो जाएगा EFD, एंगल EFD है ना, क्योंकि EG इज द बाइसेक्टर, FS इज द बाइसेक्टर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे PEB मिलेगा और EFD मिलेगा, ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन कंडीशंस क्या है लिखेंगे? बट दीज THESE बट दीज आर क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स COR ES PUND IE corresponding angle ANGES corresponding angles when AB and CD AB and CD ठीक है, आर कट बाई द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल, ठीक है, PQ रूप हो गया है ना, डियर फोर
ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक, बाई क्रॉस बाउंडिंग एग्जांपल, बाई क्रॉस बाउंड एंगल्स एग्जांपल ए एक्स आई ओ एम, ठीक है बच्चों, यस सर, ये प्रूफ हो गया, सॉल्व कर लीजिए। प्रिय बच्चों, लाइन एंड एंगल्स के बेस्ड पर पैरेलल लाइंस के माध्यम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए। आने वाले पार्ट में पैरेलल लाइंस पर बेस्ड अदर क्वेश्चंस की हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।